और बात करते हैं डिंडौरी की, जहां खाद्यान्न से भरा हुआ एक ट्रक बाइक सवार को टक्कर मार दिया। बाइक सवार महिला की घटनास्थल में ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के रहगी गांव की ये घटना बताई जाती है, जहां कोतवाली पुलिस मौके में पहुंचकर जांच में जुटी है। मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर डिंडोरी मंडला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर डिंडोरी मंडला मुख्य मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों को खाद्यान्न से भरे हुए ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण मोटरसाइकिल में बैठी महिला ट्रक के पहियों के नीचे आ गई, जिसकी मौके पर ही कुचलकर मौत हो गई। वहीं बाइक में बैठे हुए 2 अन्य युवक घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एकलव्य आवासीय विद्यालय के सामने डिंडोरी मंडला मुख्य मार्ग पर बाइक सवार 2 युवक और 1 महिला को निगवानी गोदाम से खाद्यान्न लेकर जा रहे 10 पहिए वाले ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई तो 2 युवक गंभीर रूप से घायल है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। विराट 24 न्यूज के लिए डिंडोरी से नेमलाल झारिया की रिपोर्ट। जी हाँ, एकलव्य स्कूल के पास मंडला रोड पे आज एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर पहुँचे। वहाँ देखा कि एक महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और 2 अन्य लोग घायल थे। एक PDF का ट्रक था जिसने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उनका एक्सीडेंट कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के शव को जिला अस्पताल लाया गया, जिसका PM कराया जा रहा है। मौके से ट्रक को थाना परिसर में लाके खड़ा किया गया। ट्रक का चालक घटनास्थल से फरार हो गया था, जिसके विरुद्ध अभी एक्सीडेंट का अपराध पंजीबद्ध कर घटना में लिया जाएगा। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।